नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये वही कपड़ा है जो मैं कट पीस में से लाई थी और छोटे छोटे एक एक मीटर के टुकड़े थे। तो उस दिन मैंने मेरी बड़ी वाली गुड़िया के लिए नायरा स्टाइल कुर्ती बनाई थी। अब मैं मेरी छोटी वाली गुड़िया के लिए बना रही हूँ। तो ये बना रही हूँ मैं 8-9 साल की उम्र की बच्ची के लिए। तो उसी हिसाब से सारे निशान लगाऊंगी। तो सबसे पहले ऊपर का टॉप कट करेंगे। तो ऊपर का टॉप मैंने रखा है 10 इंच की लंबाई और शोल्डर लूंगी 5 इंच और 5 इंच ही मैं आर्म होल का निशान लगाऊंगी। तो इस हिसाब से सारे निशान लगा देंगे, फिर स्केल की सहायता से सारे निशानों को आपस में मिला देंगे और फिर इसके बाद में मैं चेस्ट साइज ले रही हूँ। तो 28 की चेस्ट है, तो उसके हिसाब से थोड़ा लूजिंग छोड़ते हुए मैं 7.5 इंच पर निशान लगा दूंगी और 1.5 इंच में लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ूंगी, क्योंकि ये नीलम कपड़ा है तो धोने के बाद थोड़ा बहुत सूखड़ जाएगा। तो नीचे की साइड में 0.5 इंच का निशान लगा कर यहाँ पर थोड़ा कपड़े को कट करेंगे और 2 इंच का मैंने गला का निशान लगाया है। और गला आप अपने हिसाब से रख सकते हो, बड़ा छोटा। तो कर्व स्केल की सहायता से आर्म होल की गोलाई दे देंगे और ये यहाँ पर मैंने कपड़े को कट कर दिया है। तो इस प्रकार बैक पार्ट को हटाकर फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा कपड़े और कट करेंगे, आर्म होल पर घेराई देंगे। वैसे तो छोटे बच्चों के लिए अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई नहीं। फिर नीचे के पार्ट को कटिंग करेंगे। तो नीचे देखिए, 1 मीटर कपड़े में से ही बनाऊंगी और जो ये बचा हुआ कपड़ा था उसी को मैं लगा दूंगी। ज़्यादा इसमें प्लेटें नहीं पड़ेगी, इसमें थोड़े थोड़े से गेदर्स प्लेट डाल दूंगी। तो जो ये मेरे पास कपड़ा था उसको 2 पार्ट में कट कर दिया है और इस प्रकार जोड़ देंगे। तो वैसे टोटल कुर्ती की लंबाई मैंने 35 इंच रखी है और ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के दोनों गले कट किए हैं। तो फ्रंट पार्ट का गला मैंने 4.5 इंच के लगभग रखा है और बैक पार्ट का गला मैंने 2 इंच रखा है। तो देखिए, इस प्रकार इन सबको जोड़ देंगे और देखिए कुर्ती पूरी मैंने बना दी है। और अगर इसकी सिलाई का वीडियो भी देखना चाहते हो तो जैसे कि इससे पहले मैंने जो कुर्ती बनाई थी मेरी बड़ी वाली गुड़िया के लिए, तो उसमें मैंने कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है, तो उसी हिसाब से मैंने इसकी भी सिलाई भी की है। तो आप वह वीडियो देख सकते हो और मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगी। तो इस प्रकार हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब मैं अपनी गुड़िया को पहन के दिखाऊंगी ये कुर्ती। और यहाँ पर मैंने कुछ बटन्स लगाए हैं और एक गोल्डन कलर की लेस भी लगाई है। तो देखिए कैसी लग रही है कुर्ती, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस पर मैंने स्लीव्स नहीं रखी हैं क्योंकि 1 मीटर कपड़े में से ही बनाई है, तो स्लीव के लिए कपड़ा नहीं बचा था। तो देखिए मेरी तीनों गुड़िया ने कुर्ती पहन ली है, तीनों के लिए सिली थी जो। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। और ये कुर्तियाँ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।